आपका स्वागत है हमारे चैनल फ्लेवर्ड रसोई में। आज हम बनाएंगे मटन रोल। आपने चिकन रोल तो बहुत खाया होगा, आज हम मटन रोल। पहले हम रोल का भरवा बनाना आपको बताएंगे, उसमें क्या क्या पड़ेगा। फिर रोल के लिए तो आटे के मतलब पराठा बनाना है, उसको हम आपको पहले बाद में बताएंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए मटन, ये 1 से 1.5 पाव आप ले सकते हैं, 300 ग्राम 250 ग्राम। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 चम्मच, लाल मिर्च है 1/2 चम्मच, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 2 बड़े टमाटर कटे हुए हैं और 2 प्याज कटी हुई है। और ये हमारा है गरम मसाला 1 चम्मच, और ये चाट मसाला, इसको हम बाद में डालेंगे। पहले कुकर में हम तेल डालेंगे 2 से 3 चम्मच तक इसको पकाने के लिए। ये हम मेरी प्याज हो गई थी, हमने प्याज में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भूना है 2 मिनट। उसके बाद हमने टमाटर भी इसमें डाल दिया, ये टमाटर हमारे नरम हो रहे हैं, अभी इसको थोड़ा सा और भूनना है। और इसमें हमने 1/2 चम्मच लाल मिर्च और नमक भी डाल दिया है, 1/2 चम्मच हमने डाला है, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं कम ज़्यादा नमक मिर्च। अभी थोड़ा सा हमारा टमाटर भून जाए, अभी टमाटर नरम नहीं हुआ है, तब हम इसमें मटन डालेंगे और इसको फिर कुकर बंद कर देंगे। ये टमाटर हमारा हो गया, बस देखिए तेल छोड़ दिया, अब इसमें हम मटन डालेंगे। ये हमारा मटन कीमे से थोड़ा मोटा हुआ, आप सादा ले सकते हैं। और इसको थोड़ी 2 मिनट इसको हम भून लेते हैं तेज आंच पर, और इसमें 1/2 कप पानी डाल के हम कुकर बंद कर देते हैं गलने के लिए। कम से कम 2 सीटी तेज पे, 1 धीमी आंच पे बनाएंगे तो हमारा गोश्त अच्छे से गल जाएगा। फिर उसको हम कुकर ठंडा होने के बाद खोलेंगे। अब हम 1 कटोरी आटा ले लेंगे और इसको अंदाज से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेंगे रोटी की जैसा। थोड़ा सा कड़ा ही रखेंगे, इसको गूंद के रख देंगे। और इसको पराठे बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा भी और पानी डालेंगे। ये हमारा आटा देखिए गूँ गया, इसको पानी लगा के अच्छे से रोटी की तरह गूँध लेंगे। ये आटा हमारा तैयार है, इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और हम अपना भरवा तैयार करते हैं। कुकर हमारा ठंडा हो गया, ये फिर से हमने खोल के गैस पे रखा है, क्योंकि इसमें अभी थोड़ा पानी है, ये पानी हम सुखा लेंगे। और इसको पानी सूख जाए, ये देखिए हमारा मटन गल भी गया है, थोड़ा सा इसमें है पानी। इसमें अब हम गरम मसाला मिक्स कर देंगे और चाट मसाला। हमने गरम मसाला और चाट मसाला मिक्स करके अच्छे से इसको भूनना है। भून जाएगा तो हम इसको फिर ठंडा करके इसको रख देंगे, गैस से हटा देंगे। तो अभी ये भूना नहीं है, इसमें थोड़ा सा भी टाइम है। ये हमारा मसाला तैयार हो गया है मटन रोल का। इस मसाले से हम आपको मटन रोल ही नहीं, इससे 3 रेसिपी बनाना सिखाएंगे, 1 मटन चाउमीन और मटन बर्गर, उसके अलग अलग आपको अभी हम आप देख सकते हैं। ये हमारा ये मसाला हो गया, अब इसको उतार लेंगे और हम ये गैस पे फ्राई पैन रखेंगे पराठा बनाने के लिए। इसके लिए हम थोड़ा सूखा आटा ले लेंगे। ये हमने लोई बना ली, इसको लोई को इसमें थोड़ा सा सूखा आटा मिला के इसको हम बेल लेंगे। ये छोटी रोटी बना ले, आपको क्रिस्पी पराठा बनाना है तो इसके लिए हम देखिए पराठे में अंदर तेल लगाने के बाद इसको रोल करेंगे। रोल करने के बाद इसको फिर से हम ये ऐसे हमने फिर लोई बना ली है और इसको ये फिर से बेलेंगे। और आप
क्रिस्पी नहीं बनाना चाहते तो आप सादी रोटी की तरह बेल के उसको ऊपर नीचे दोनों तरफ तेल लगा के या ऑयल लगा के घी जो आपको पसंद हो सेक सकते हैं। ये देखिए हमारा पराठा बन गया है। अब इसको हमने फ्राई पैन में डाल दिया है। अब इसी तरह हम दूसरा पराठा तैयार कर लेंगे। ये हमारा पराठा हो गया है। हम दोनों तरफ तेल लगा के सेक लिया है। अब ये हम इसका रोल बनाएंगे। रोल बनाने के लिए पहले हम मटर का मसाला लेंगे। ये हमने इसमें ऊपर से मेयोनीज थोड़ी से डालेंगे। आप चाहिए तो टमाटो सॉस, चिल्ली सॉस डाल सकते हैं। इसी तरह हम सारे रोल बनाएंगे। ये हमारा मटन रोल तैयार है। आप बहुत आसान तरीका है। इसको आप इसका मसाला बना के आप रख सकते हैं। जब जी चाहे गरम गरम बना सकते हैं। खुद भी खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, दोस्तों को खिलाइए। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आसान से आसान तरीका हम आपको बताते रहेंगे।